हेलो भाई। तो सबसे पहले आप सभी से कहना चाहूंगा हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और आज के इस वीडियो में इंडिपेंडेंस डे से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट बनाने वाला हूं, और इस वीडियो को आप एंड तक वॉच करना प्लीज। और 1K सब्सक्राइबर होने के बाद मैं गिव अवे का रिजल्ट अनाउंस करूंगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको गिव अवे वाली वीडियो देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो वाली वीडियो देख लेना और उस गिव अवे में पार्टिसिपेट ले लेना। और आपका प्यार और सपोर्ट भी चाहिए, तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पर देख सकते हो ये है मेरे पास एक कार्डबोर्ड, और इस कार्डबोर्ड के ऊपर मैं फ्लैग का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता हूँ। ये फ्लैग बन गया है और इसमें हम लाइट लगाने वाले हैं, तो ऊपर की और ऑरेंज लाइट लग जाएगी, यहाँ पर वाइट लाइट लग जाएगी और नीचे ग्रीन लाइट लग जाएगी। तो ये यहाँ पर देख सकते हो इसके अंदर बहुत सारी लाइट्स हैं। यहाँ पर हम चाहे तो पीवीसी शीट भी ले सकते थे, बट उसमें ना अच्छे से बल्ब नहीं लगते, और ये कार्डबोर्ड यूज़ करा है तो फटाफट से बल्ब भी लग जाएंगे। और आप चाहे तो थोड़ा बड़ा भी फ्लैग बना सकते हो, आपके पास जितने बल्ब हो उसके हिसाब से। 1 रुपए का एक बल्ब मिल गया है मुझे, इन सभी बल्बों को मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। मैंने इन बल्ब्स को एकदम एक्यूरेट तरीके से लगा दिया है, और बहुत मेहनत लगी इसे बनाने में। और यहाँ पर ये नेगेटिव वायर है ना, मैंने पैरेलल में कनेक्ट कर दिए, ये नेगेटिव एकदम पैरेलल में कनेक्ट करे हैं। और ये नेगेटिव वाला वायर, एक ये जो देख सकते हो ये मेन वाला वायर आ रहा है ना मैंने नेगेटिव, इन सभी को इन सभी के नेगेटिव से जोड़ दिया है मैंने, और ऐसी पैरेलल में मैंने पॉजिटिव ज्वाइन करे। तो मैंने इस तरीके से इन सभी लाइट्स को लगा दिए, और काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी थी, तो एक लाइट तो बनता है। पहले क्या हम एक बॉक्स बना लेते हैं, और ये इतनी सारी पीवीसी रखी है मैंने पहले से ही काट ली थी। तो गाइस अब करते हैं वीडियो को स्पीड अप और एक बॉक्स बना लेते हैं हम, जिसके अंदर क्या एक मोटर रखा जाए और ये कुछ इस तरीके से फ्लैग ऊपर की साइड लग जाएगा, वो आपको आगे पता चल जाएगा। तो चलो पहले हम बॉक्स बना लेते हैं। पावर देने के लिए मैं चार्जिंग कनेक्टर का यूज़ करूँगा, तो इसे मैं इस होल में लगा देता हूँ। कनेक्टर को लगाने के बाद फिर मैंने यूज़ करी एक गियर मोटर, ये कुछ इस तरीके से इस होल में ऐसे फिट हो जाएगी, ये कुछ इस तरीके से। और इसे टाइट करने के लिए एक वाइसर भी दिया गया है, तो कुछ इस तरीके से फुल्ली टाइट कर सकते हैं हम। हमारे पास चार्जिंग कनेक्टर है, तो इसके वायर इस मोटर में ज्वाइन कर देते हैं। और अभी हमें इसे पैक नहीं करना है, मैंने फ्लैग बना लिया है कुछ इस तरीका का, और ये कार्डबोर्ड के ऊपर बनाया है मैंने ये फ्लैग, तो ये पेपर्स वगैरह लगाकर मैंने, बहुत सिंपल था तो मैंने बना लिया। और ये जो इसका बिट दिख रहा है, इसे इस होल में कुछ इस तरीके से लगा देना है, और ये फिर ना हमारा ये फ्लैग घूमेगा, और ये लाइट हम कुछ इस तरीके से लगा देंगे, तो गाइस बहुत अच्छा सा लुक आएगा और ये फ्लैग की लाइट ग्लो होगी। तो पहले क्या करते हैं, हम इस फ्लैग को लगा देते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर। इसे लगाने के बाद इस लाइट के वायर है ना, इसमें फिट करने पड़ेंगे मुझे। तो इस लाइट के वायर है ना, मैं इस कार्डबोर्ड में से निकाल देता हूँ, तो एक छोटा सा होल कर देना है कार्डबोर्ड के अंदर, और ये वायर्स निकल जाएंगे। लाइट के वायर सीधा मैंने इस होल में से निकाल कर यहाँ पर डायरेक्ट कनेक्ट कर दिए हैं। अब इस बॉक्स को पैक कर देता हूँ मैं। फ्लैग को कुछ इस तरीके से यहाँ पर स्टिक कर देता हूँ। जल्दी जल्दी में एक मिस्टेक ये हो गई हमसे कि ना, ये जो वायर्स हमने सीधे यहाँ पर लगा दिए हैं, और ये वायर्स अब इसके ऊपर रोल हो जाएंगे पूरे इस बिट के ऊपर, देख सकते हो गाइस। कभी मैं ऐसे घुमाऊंगा ना तो मोटर घूम रही है, तभी करंट बन रहा है, इसलिए हमारी लाइट ग्लो हो रही है। बट एक दिक्कत ये हो रही है कि यहाँ पर देखो, इस जो हमारे बिट है ना, इसके ऊपर पूरे वायर्स रोल हो गए हैं, इसकी वजह से अब ये और ज़्यादा घूम नहीं पाएगा। हम क्या करने वाले हैं, इसके ऊपर यहाँ पर एक बैटरी लगाने वाले हैं, और ये जो वायर्स है ना, इनका कनेक्शन हम हटा देते हैं सीधा, और एक बैटरी लगा देते हैं, और ये बैटरी घूमेगी तो ये लाइट भी चलेगी। चार्जर के पॉइंट को यहाँ पर लगा देना है, तो मोटर घूमने लग जाएगी, और ये लाइट को भी चला देना है कुछ इस तरीके से, तो बहुत ही अच्छा लुक आने वाला है। तो चलिए अब चलते हैं टेस्टिंग की, और मैं आपको बता देता हूँ इसे चेक करके।
आई होप आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया होगा और आप आपके आइडियाज से इसे नेक्स्ट लेवल भी बना सकते हो। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।